नमस्कार, कक्षा 12 में अपने 197 में और नेक्स्ट टॉपिक है 196 में हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अल्फा कण प्रक्षेपण, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो अल्फा कण है वो उसका पथ किस प्रकार से है। हमने ये बात की थी कि ज्यादातर कण सीधे चले जाते हैं, तो स्ट्रेट पाथ हो गया, वो तो सीधी रेखा में गति कर गए। लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कुछ कण अल्प कोणों पर मुड़ते हैं, कुछ कण जो है वो बहुत कम ऐसे भी हैं जो 90 डिग्री पर मुड़ते हैं, कुछ ऐसे भी है जो 180 डिग्री पर मुड़ते हैं और वापस उसी पथ पर आ जाते हैं। तो उनका पथ तो चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। वो पथ कैसे चेंज हो रहा है, उनका किस बात पर निर्भर कर रहे हैं वो हम लेंगे। और जो 180 डिग्री है वो 180 डिग्री किस स्थिति में आता है, कैसे पता चला कि 180 डिग्री पे आया वो पार्टिकल, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इनको प्रभावित करती है। उनके लिए एक वैल्यू आती है, उसे कहते हैं संगत प्राचल। पहले हमें वो पता नहीं चाहिए, इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं इसको, इंपैक्ट पैरामीटर। और स्मॉल बी से लिखते हैं इसे, स्मॉल बी से। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं संगत प्राचल को डिफाइन करें। पहली डेफिनेशन आ गई है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एक नंबर के लिए बस इतना ही आएगा लिखा हुआ। संगत प्राचल क्या है परिभाषित कीजिए, या संगत प्राचल की परिभाषा लीजिए, बस इतनी सी बात। अब देखो क्या है, इसकी बात करेंगे अभी, क्या है संगत प्राचल। उसके लिए यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई परमाणु का नाभिक है, बाकी परमाणु का भाग जो है वो खाली है। परमाणु के नाभिक में केवल धनावेश होता है, ये हमें पता है क्योंकि उसमें दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है। इसका मतलब टोटल आवेश क्या हुआ, अंदर धनावेश ही हुआ, ठीक है। इसको लिख देते हैं कितना होगा, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होते हैं, उतने प्रोटॉन होते हैं और सामान्य अवस्था में उतने इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और वो एक अलग बात है, ऊर्जा देकर आयनीकरण की प्रोसेस करवा ली जाए तो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करवाया जा सकता है। जैसे हम हीलियम प्लस लिख देते हैं, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन सामान्य स्थिति में हम क्या कहते हैं, हीलियम है या बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन नाइट्रोजन जो भी हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोटॉन होते हैं। अब देखो यहाँ इधर से आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल, तो जो ज्यादा दूरी पर होगा ये नाभिक है, ये नाभिक है, जो ज्यादा दूरी पर होगा वो क्या होगा, उस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर क्या आ रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल होते क्या है, अल्फा पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल होते हैं 2He4। हीलियम को ही क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। हीलियम के नाभिक जो होते हैं उनको ही अल्फा कण कहते हैं। अल्फा का मतलब हीलियम ही है और कुछ नहीं है। तो ये यहां से ये पॉजिटिव पार्ट चल रहा है यहां से, तो इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई बल इनमें कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये दूरी कम होगी वैसे वैसे नाभिक से प्रतिकर्षण बल इसका बढ़ता जाएगा। प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो अपने पास आने से रोकेगा और इसको दूर करेगा। दूर करेगा तो ये क्या होगा, अपने पथ से विचलित होना शुरू हो जाएगा, मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ आ रहा है, मान लो ये भी दूरी ज्यादा है तो यहाँ से भी नहीं मुड़ा तो सीधा निकल गया, यहाँ आ रहा है तो यहाँ अब इसका थोड़ा अगर मान लो प्रतिकर्षण लग रहा है तो ये ऐसे मुड़ गया। कोण कैसे पता चलेगा, अगर इसको नहीं मुड़ता सीधा बढ़ाते तो यहाँ जाता, ये कोण हो गया थीटा। अब ये किस पे निर्भर कर रहा है, ये इस दूरी पे निर्भर कर रहा है। देखो इस दूरी पर जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण का मान बढ़ता जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है। तो यहां से जब यहां से आएंगे तो प्रतिकर्षण, देखो यहां आते आते प्रतिकर्षण और बढ़ जाएगा, तो ये इसका कोण क्या होगा, इसकी तुलना में और बढ़ जाएगा। और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, और बढ़ जाएगा, 90 डिग्री तक भी पहुंचेगा। जो कण इसके बिल्कुल सेंटर में जाएगा, बिल्कुल केंद्र के सामने जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा प्रतिकर्षण भी बढ़ता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये इसको इतना प्रतिकर्षित कर देगा कि आगे नहीं जा पाएगा, वो दूरी इसकी समीपस्थ दूरी कहलाती है, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये इसकी नियरेस्ट डिस्टेंस है, सबसे नजदीक की दूरी, इसको कहते हैं समीपस्थ दूरी, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां से ये जो दूरी है इसकी बात हम करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे।
तो यहां से जब पार्टिकल इस तरफ जाएगा तो वापस क्या होगा, वो इसी पथ पे वापस लौट आएगा, इसी पथ पर वापस लौट आएगा, ठीक है। तो यहाँ कोण पड़ेगा 180 डिग्री। अब देखो ये सारी बात किस पे निर्भर कर रही है, सारी बात निर्भर कर रही है इस दूरी पर, और इस दूरी को कहते हैं बी, और बी क्या है, संगत प्राचल, इंपैक्ट पैरामीटर। इसका मतलब क्या हुआ, आप कैसे डिफाइन करें बी किस किस के बीच की दूरी है, अल्फा पार्टिकल और नाभिक के बीच की दूरी। लेकिन नॉर्मली दूरी तो कैसे लेते हैं, अगर इनके बीच की दूरी लेनी है तो ये होगी इनके बीच की दूरी, लेकिन इस पे निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर करता है, इस दूरी पे निर्भर करता है। और ये कैसी दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी, इसलिए ये एरो यहां इसलिए लगाए गए कि किस पे निर्भर करेगा, लंबवत दूरी पर। तो दो वर्ड अपने को ध्यान रखने हैं, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस एंड परपेंडिकुलर। डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये इसकी परिभाषा है, अल्फा कण की नाभिक के बीच से लंबवत दूरी, यानी अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य लंबवत दूरी को संगत प्राचल कहते हैं, और इस पर ही प्रतिकर्षण का मान और इस पर ही विचलन कोण का मान निर्भर करता है। कोई अल्फा पार्टिकल किस कोण पर मुड़ेगा वो उससे उसके नाभिक से संगत प्राचल कितना है, संगत प्राचल ध्यान रखना, संगत प्राचल का मात्रक पूछ लें, संगत प्राचल का मात्रक क्या है, अपने संगत प्राचल ध्यान में क्या है, ये तो संगत प्राचल क्या है, बी है, और बी क्या है, दूरी तो है ये, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ये डिस्टेंस है ये। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, अल्फा कण तथा परमाणु के नाभिक के मध्य लंबवत दूरी संगत प्राचल कहलाती है, ठीक है, ये है संगत प्राचल। तो ये सारी बात किस पे निर्भर कर रही है, इस पे बड़ निर्भर कर रही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोण कितना होगा, वो सारी बात किस पे डिपेंड करती है, बी पे डिपेंड करती है। अभी कहते हैं बी पर किस प्रकार से डिपेंड करता है इसका मान, तो किस प्रकार से, जैसे जैसे बी का मान घटेगा वैसे 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 विचलन कोण का मान बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे बी का मान कम होगा वैसे वैसे कोण का मान बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे कोण यहाँ पर इसी बिंदु पर देखें तो यहाँ से तो दूरी माप ही रहे हैं, और इसी पर देखेंगे तो इस बिंदु पर बी का मान कितना है, जीरो है। तो जब बी का मान जीरो हो जाता है तो थीटा का मान कितना हो जाता है, 180 डिग्री। कैसे हो जाता है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव करके बता सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है संगत प्राचल बी बराबर जेड ई स्क्वेयर कोट थीटा बाय टू अपॉन 4πε0 1/2 एम वी स्क्वेयर लिख दो, चाहे एम यू स्क्वेयर लिख देते हैं इसे बुक्स के अकॉर्डिंग। जेड क्या है, जो परमाणु लिया गया है उसका परमाणु क्रमांक है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, कोर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, थीटा कितना विक्षेपण कोण है वो है, और 4πε0 कांस्टेंट है, 1/4πε0 को के भी लिख सकते हैं, यहाँ के लिख सकते हैं हम, और 1/2mu² क्या है, u इसका प्रारंभिक वेग है, तो ये इसकी क्या है, गतिज ऊर्जा है, इसको v से लिख सकते हैं हम, 1/2mv² गतिज ऊर्जा, k लिख सकते हो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी, ये ऐसा लिख देते हैं। इसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, बीएससी में आती है ये बात, तो हम इसका प्रूफ करेंगे भी नहीं क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। अब देखो इसके अनुसार अगर पूछ ले आपको, ये फॉर्मूला दे रखा है भी आपके सिलेबस में, इसलिए पूछा जा सकता है संगत प्राचल का सूत्र लिखिए, तो आप सूत्र ध्यान रहे, जेड स्क्वेयर कोट थीटा बाय टू अपॉन 4πε0 1/2mu². अब यहाँ से देखिए तो हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं बी पर इसका मान निर्भर कैसे करता है। देखो जब बी का मान, यदि स्पेशल केस लिए, यदि बी बराबर जीरो है, क्या है, बी बराबर जीरो, तो बी बराबर जीरो हो तो क्या करोगे आप, यहाँ रखोगे जीरो, जीरो रखोगे तो ये वैल्यू इधर आके गुणा होगी, क्या हो जाएगी,
जीरो तो क्या आया, जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ये वैल्यू इधर आएगी भाग में जीरो के भाग में जाएगी तो ये भी जीरो हो जाएगी, तो क्या आया कोट थीटा बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, कोट में जीरो मान कहां पर होता है, 90 डिग्री पर, तो इसको लिख सकते हैं कोट थीटा बाय टू इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोट 90 का मान जीरो होता है। ठीक है, 90 तो कोस जीरो भी, कोस 90 भी जीरो होता है, लेकिन यहाँ वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं जो इधर है, तभी तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रत्येक कोणमिति फलन बराबर है तो कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि थीटा बाय टू इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। तो सिद्ध हो गई ना ये बात, कहाँ से लेकर चले हम, एक बात हम लेकर चले हैं, दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो गई। तो अगर ये भी पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि संकट प्राचल शून्य हो तो इसका विचलन कोण, इसको कहें विचलन कोण का मान 180 डिग्री होगा, विक्षेपण कोण कहते हैं इसको, समान 180 डिग्री होगा, ये पूछ ले जाए सिद्ध करो। तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपने हमें लिखना है कि हम जानते हैं संकट प्राचल के सूत्र से, तो आपको फॉर्मूला लिखना है, उसमें हमें एक बात दे दी कि बी का मान जीरो है, तो बी का मान जीरो हमें अप्लाई कर देना है और इसको सोल्व कर लेना है। ये इसका प्रक्षेप्य का पथ है, कि यानी प्रक्षेप्य पथ का मतलब कि अगर कण को फेंका गया है या भेजा गया है तो उसके बाद में वो किस रास्ते पर जाएगा, किस पथ पर जाएगा, वो होता है प्रक्षेप्य पथ। प्रक्षेप्य का मतलब वो पार्टिकल है जिसका यूज किया जा रहा है। तो यहाँ प्रक्षेप्य क्या है, यहाँ प्रक्षेप्य है अल्फा पार्टिकल। प्रोजेक्टाइल मोशन 11th में आज पढ़ते हैं हम, ये चीजें डिटेल से पूरा चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ, तब हम क्या कहते हैं किसी भी पार्टिकल को फेंका जाता है, तो पार्टिकल को ही वो ही प्रक्षेप्य है, उसके बाद उसकी अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज दूरी प्रक्षेप्य का पथ वो सब निकालते हैं। तो यहाँ प्रक्षेप्य का मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, कब प्रक्षेप्य का मतलब है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा, वो ये पाथ किस पे डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड्स अपॉन ओनली सिंगल वैल्यू दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर बी, इस पे बी पे ही डिपेंड करता है ये केवल। ठीक है, संकट प्राचल पे इसके अनुसार इसका मान कैसे परिवर्तित होता है वो हम बता सकते हैं। यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं, देखो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि इससे देखिए तो बी क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोट थीटा बाय टू। बी का जो मान है अगर कोट की फॉर्म में लें तो इस पे डिपेंड करता है, कोट थीटा बाय टू के समानुपाती होता है। लेकिन कोट में देखो मान क्या आते हैं, रिवर्स आते हैं, रिवर्स। कोट जीरो का मान अनंत होता है, कोट जीरो का मान अनंत होता है, और कोट 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, फिर कोट 0 होता है, कोट 90 होता है वो 0 होता है। तो देखो जैसे 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 कोण बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, उल्टा हो रहा है ना। ठीक है, कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री पर 0 हो गई, 0 डिग्री पर क्या था, अनंत था, तो मान क्या है, रिवर्स मान है। इसका मतलब क्या है, बी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोट थीटा बाय टू के, समझ में आ गया। और यहां से देखें तो कोट में वैल्यू क्या है, कोट में इनवर्सली वैल्यू होती है, तो इसका मान क्या आता है, अपोजिट आता है, वैल्यू जो अपोजिट आती है। तो इसका जो कोण है वो बी पर कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे जैसे बी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कोण कम होता जाएगा। बी का मान बहुत अधिक हो जाएगा तो प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाएगा, तब पार्टिकल सीधा चला जाएगा। ये हो गई इससे संबंधित बातें। अब इसमें एक बात हो रहेगी जो हमने यहाँ करी है, वो है इसकी समीपस्थ दूरी, इसको अब हम सोल्व करेंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल। समीपस्थ दूरी बता सकते हैं हम क्या होती है, बता सकते हैं क्या होती है, जब कण गति करता हुआ आगे बढ़ता है केंद्र की ओर तो उस पर प्रतिकर्षण बल बढ़ता रहता है, और जिससे एक स्थिति ऐसी आती है कि वो उससे वापस आ जाता है, सबसे नजदीक स्थिति होती है वो नाभिक के पास की, उसे कहते हैं समीपस्थ दूरी, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो करेंगे हम अगली क्लास में, तो इसको रिवाइज करेंगे।